और पहली पंक्ति आत्मसम्मान की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पास नहीं है कुछ भी मेरे पर हरिचंद्र सा दानी हूँ, पास नहीं है कुछ भी मेरे पर हरिचंद्र सा दानी हूँ, लिखा नहीं कुछ भी किस्मत में फिर भी एक कहानी हूँ, पास नहीं है कुछ भी मेरे पर हरिचंद्र सा दानी हूँ, लिखा नहीं कुछ भी किस्मत में फिर भी एक कहानी हूँ। जिन बागों के फूल चुरा कर वो गमले में अपने सजाते हैं, जिन बागों के फूल चुरा कर वो गमले में अपने सजाते हैं, शायद उनको पता नहीं मैं उसी बाग का माली हूँ, शायद उनको पता नहीं मैं उसी बाग का माली हूँ। अगली कुछ पंक्तियां त्याग की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि त्याग दूं सब मोह माया, त्याग दूं सब ख्वाहिशें। कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ त्याग दिया जाए, तो उसी पर त्याग पे ये पंक्तियां लिखी मैंने कि त्याग दूं सब मोह माया, त्याग दूं सब ख्वाहिशें, त्याग दूं इस लोभी मन को करता जो फरमाइशें, त्याग दूं इस लोभी मन को करता जो फरमाइशें, त्याग दूं वो भावना जिससे हृदय को कष्ट हो, त्याग दूं वो भावना जिससे हृदय को कष्ट हो, त्याग दूं उन अवगुणों को जिससे जीवन नष्ट हो, त्याग दूं उन अवगुणों को जिससे जीवन नष्ट हो। और त्याग क्या है मैं आगे की पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि घर की खातिर घर से अपने दूर जाना त्याग है, घर की खातिर अपने घर से दूर जाना त्याग है, अपनों की खातिर अपने दुख को भूल जाना त्याग है, अपनों की खातिर अपने दुख को भूल जाना त्याग है, पिता के वचनों को निभाकर वन को जाना त्याग है, पिता के वचनों को निभाकर वन को जाना त्याग है, अयोध्या का राज्य सारा छोड़ जाना त्याग है, अयोध्या का राज्य सारा छोड़ जाना त्याग है। त्याग में ही सुख बसे है त्याग में परमात्मा, त्याग में ही सुख बसे है त्याग में परमात्मा, फिर त्याग को स्वीकारने से डरती क्यों है आत्मा, फिर त्याग को स्वीकारने से डरती क्यों है आत्मा। और जाते जाते चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लूंगा कि मुझको ये दुनिया है पागल समझती, मुझको ये दुनिया है पागल समझती, मैं मेरी माँ की मांगी हुई एक दुआ हूँ, मुझको ये दुनिया है पागल समझती, मैं मेरी माँ की मांगी हुई एक दुआ हूँ, जिंदगी के सफर में हुए हादसे जो, जिंदगी के सफर में हुए हादसे जो, मैं उन हादसों का अकेला गवाह हूँ, मैं उन हादसों का अकेला गवाह हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।